हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? ये आप पहले गणपति बप्पा के दर्शन कर लीजिए। ये नानपुरा के अंदर है, माछी वार्ड के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो ये सेकंड गणपति बप्पा है। तो आज मैं आपको नानपुरा के अंदर और नानपुरा के आसपास में जो भी गणपति बप्पा के फेमस जो पंडाल है उनके मैं दर्शन कराऊंगी। और आप भी अगर चाहो तो आप भी वहाँ जाकर बप्पा के दर्शन कर सकते हो। और ये है नानपुरा के अंदर किंग ऑफ भाई जी, इनका आगमन भी मैंने दिखाया था, बहुत ग्रैंड हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो ज़रूर से देख लेना, काफ़ी बढ़िया इनका आगमन हुआ था बप्पा का। आज जो भी मैं आपको गणपति बप्पा के पंडाल दिखा रही हूँ आपको ज़रूर एक बार जाके विजिट करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया गणपति बप्पा के पंडाल हैं। और नहीं आप जा पा रहे हो तो आप वीडियो में ही देख सकते हो। और ये है गांधी स्मृति के पीछे की साइड में लुहार युवक मंडल के गणपति बप्पा। और ये दूसरे पंडाल में हम आ चुके हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया गणपति बप्पा का पंडाल है। गांधी स्मृति हॉल था उसके एग्जैक्ट पीछे है ये पंडाल, और आप बप्पा की परछाई देख सकते हो पानी के अंदर। ये हम आ चुके हैं नेक्स्ट पंडाल में। यहाँ पर डिज्नीलैंड की पूरी थीम रखी गई है, और ये आपको पंडाल मिल जाएगा स्नेह मिलन गार्डन के बाजू में। तो अगर आप चाहो तो वहाँ पर भी जा सकते हो बप्पा के दर्शन करने के लिए। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट खारवाड़ा नानपुरा के अंदर। ये है वृंदावन के राजा, तो इनके दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सुंदर बप्पा की मूर्ति है, और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आपको करने को मिल जाएंगे। और ये आप देख सकते हो शिव भगवान और माता पार्वती रोटेट होते हुए इनकी मूर्ति है, बहुत ही सुंदर ये यहाँ पर गणपति बप्पा की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। और ये नेक्स्ट पंडाल भी खारवाड़ के अंदर ही है, कोटवाल स्ट्रीट पर। और ये है भांगड़ा प्रगति मंडल के गणपति बप्पा, और यहाँ पर बहुत ही क्यूट गणपति बप्पा के दर्शन कर लीजिए आप। काफ़ी सुंदर यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है, और ये सुबह है तो इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, शाम के वक्त तो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा जैसे कि आप देख रहे हो। इस गणपति बप्पा के पंडाल से निकलते ही सामने आपको एक दूसरा गणपति बप्पा का पंडाल दिख जाएगा। इन्होंने एक्वेरियम थीम रखी है, और यह है सेलर सी वर्ल्ड। जैसे कि आप देख रहे हो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर लाइव फिश रखी हुई है, और यहाँ पर पूरा एक्वेरियम थीम बनाया गया है, और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो अगर आप आ सकते हो तो आप ज़रूर आके यहाँ पर विजिट करिए, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर आपको गणपति बप्पा देखने को मिल जाएंगे, छोटे छोटे बाल गणेशा जैसे कि आप देख रहे हो। शिप के अंदर भी आपको गणपति बप्पा देखने को मिलेंगे। काफी सुंदर और काफी क्यूट क्यूट गणपति बप्पा हैं यहाँ पर।
और एक्वेरियम वाले पंडाल से निकलने के बाद में उसकी पीछे की साइड में ही आपको ये दूसरा गणपति बप्पा का पंडाल देखने को मिल जाएगा, और वो भी काफी सुंदर गणपति बप्पा है। यहाँ पर गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद में हम पहुंच चुके हैं धोबी सेरी, ये भी नानपुरा के अंदर ही है। तो यहाँ पर करेंगे बप्पा के दर्शन, और काफी सुंदर यहाँ पर राधा कृष्णा के रूप में गणपति बप्पा की मूर्ति है, तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, और पूरा नेचर का डेकोरेशन किया है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इन गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद में इनके पीछे की साइड में ही आपको ये वाला पंडाल मिल जाएगा, तो इन बप्पा के दर्शन कर लीजिए आप। अब आप कर लीजिए नानपुरा के राजा के दर्शन। ये गणपति बप्पा की मूर्ति काफी बड़ी साइज की थी। अब हम आ चुके हैं खाखी बाबा टेम्पल के पास में। तो यहाँ पर कष्टभंजन हनुमान मंदिर की थीम रखी गई है, तो जैसे कि आप देख ही रहे हो यहाँ पर एंटर करते ही आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। अब चलते हैं अंदर, और एकदम वैसे ही जैसा मंदिर है वहाँ पर वैसी ही यहाँ पर थीम बनाई गई है, और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो चलिए अंदर करते हैं बप्पा के दर्शन। और पहले इनको जो ट्रॉफीज वगैरह जो मिली थी वो सब यहाँ पर रखी हुई हैं। ये हम आ चुके हैं कैलाश नगर के पास में। यहाँ पर गणपति बप्पा की मूर्ति काफी सुंदर है, डब्रू शेट गणपति बप्पा के रूप में यहाँ पर गणपति बप्पा की मूर्ति है, और यहाँ पर डेकोरेशन बहुत ही सुंदर है और लाइटिंग वगैरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। ये सुबह का टाइम है, एकदम दोपहर का, तभी इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, शाम के वक्त तो बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। ये लाइटिंग वगैरह बहुत ही सुंदर है यहाँ पर। अब करेंगे सूरत के लालबाग के दर्शन। ये है कैलाश नगर के अंदर ही, और काफ़ी बड़ा पंडाल है, और इनके दर्शन एक दिन पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हम आए हैं दर्शन करने के लिए, तो आप भी हमारे साथ में कर लीजिए सूरत के लालबाग के राजा के दर्शन। और भी एरिया के अगर आपको गणपति बप्पा के दर्शन करने हो तो मेरे चैनल पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके देख सकते हो। मैंने नानपुरा और नानपुरा के आसपास में जो भी गणपति बप्पा के पंडाल थे उनके सबके आपको दर्शन करा दिए हैं। आपको कैसा लगा दर्शन करके ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।